हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे आप बहुत ही लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज, और जिसमें कि आप पाएंगे कि एएनएम और स्टाफ नर्स के 8037 पदों पर फिर से होगी भर्ती। ओके, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और आज के न्यूज़पेपर की न्यूज़ है हिंदुस्तान जॉब्स में, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल हम देख लेते हैं कि जो आपके मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र, उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में खाली एएनएम और स्टाफ नर्स के 8037 पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां की जाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गवर्निंग बॉडी के बैठक में सोमवार को अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्य सचिव को बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, यानी कि आपका नेशनल हेल्थ मिशन में, संविदा नर्सिंग स्टाफ व एएनएम स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसको कि सीएचओ कहते हैं, सीएचओ के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 58,746 स्वीकृत पदों में 46,197 संविदा कर्मी कार्यरत हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार हो रहे सुधारों से प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। हमें ऐसा स्वास्थ्य ढांचा विकसित करना है जो पूरे देश के लिए रोल मॉडल बने, हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में हमें मिशन मोड में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आने वाले रोगियों से स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं के बारे में फीडबैक के लिए सर्वे कराया जाए। तो फ्रेंड्स आपने पूरी न्यूज़ देखी कि आपके जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें जो टोटल खाली 8037 एएनएम के पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9212 वैकेंसीज का जो रिक्रूटमेंट भर्ती का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, ठीक है। और अभी तक आप लोगों के पेट हुआ, उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम हुआ, और उसके बाद आपका रिजल्ट, और उसके बाद आपका डीवी हुआ, ठीक है। डीवी होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें फिर से रीचेक किया जा रहा है, और उसके बाद जल्द से जल्द आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो भी एएनएम सिस्टर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, उनके लिए बहुत गुड न्यूज है कि जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, उनके लिए क्या है कि वो जॉब के अच्छे चांसेस मिल रहे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी होगा क्या होगा आपके लिए कि जब तक आप यूपी ट्रिपलएससी से जो पेट एग्ज़ाम होता है उसको आप नहीं दोगे और उसकी प्रिपरेशन नहीं करोगे, तब तक आगे का मेंस एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इस बार बहुत सारे एएनएम सिस्टर्स थी जिन्होंने कि क्या पेट एग्ज़ाम नहीं दिया और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, कि उन्होंने पहले सोचा कि पेट इतना ज़रूरी नहीं होगा एएनएम के लिए, बट यूपी गवर्नमेंट ने ये सोच रखा था कि यूपी ट्रिपलएससी पेट ज़रूरी होगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जिन लोगों ने भी पिछले साल यूपी ट्रिपलएससी पेट में अप्लाई नहीं किया हुआ था वो इस बार यूपी ट्रिपलएससी पेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग उसका एग्ज़ाम दे पाएँ और उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ, और उसके बाद आप लोगों का मेंस एग्ज़ाम आप लोगों को देने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए और जिससे कि आपको अच्छा स्कोर मिल सके उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और कोई भी अपडेट होगा आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।